आगे बढ़ते बात कर लेते हैं लखनऊ की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी घोषित। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 6 सीटों के लिए सपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि करहल, सीबामऊ, फूलपुर, बिल्कीपुर, कटेहरी, मझवा के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। करहल से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, तो वहीं कटेहरी से शोभावती वर्मा और मझवा से ज्योति बिंद। देखिए तमाम जो प्रत्याशी उसकी लिस्ट भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वो 6 प्रत्याशी है जिसकी घोषणा यहां पर समाजवादी पार्टी की ओर से कर दी गई है। 10 विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव होने, लेकिन उससे पहले यहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। चलिए इसी खबर पर जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता आलोक राय फोनलाइन पर जुड़ गए। आलोक, जिस प्रकार से हम सपा के प्रत्याशियों की लिस्ट यहां पर देख रहे हैं, क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद में कहीं ना कहीं यहां पर सपा ने एक तरफा कांग्रेस से हटकर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, इसे कहा जा सकता है? देखिए बिल्कुल जो है, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और कांग्रेस से गठबंधन था समाजवादी पार्टी का, लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़े। लेकिन हरियाणा चुनाव जिसके कल परिणाम आए हैं, वहां पर भी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने कोई तवज्जो नहीं दी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी कोई तवज्जो नहीं दी गई, तो कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन जो 2 सीटों की वो मांग कर रही थी, मझवा और फूलपुर, उस पर भी समाजवादी पार्टी ने आज प्रत्याशी घोषित कर दिए। कुल 6 प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, जिसमें करहल सीट है जहां से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया था। इसके बाद वो सांसद बने थे कन्नौज से, पहले अखिलेश यादव वहां से विधायक थे, तो वहां से तेज प्रताप यादव जो समाजवादी पार्टी के परिवार के हैं और पूर्व सांसद रह चुके हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया। इसके अलावा 5 अन्य सीटों पर भी समाजवादी पार्टी ने जो है प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। तो कुल मिलाकर जो लिस्ट सामने, इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस को कोई सीट देने के मूड में नहीं है। फिलहाल 6 सीटों पर घोषणा हो गई है, 4 और सीटें हैं जिन पर प्रत्याशियों की घोषणा हो रही होनी बाकी है। और ये माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आयोग जो है विधानसभा उपचुनाव का कार्यक्रम भी जारी करेगा, इसीलिए जो है सारी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी बैठक पर बैठक कर रही है, जल्दी उसकी लिस्ट भी सामने आएगी। लेकिन कुल मिलाकर लीड लेते हुए सपा ने अपने 6 उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी कर दी थी। बिल्कुल आलोक, और जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव भी हुए थे, उस दौरान भी अगर इंडिया गठबंधन की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा प्रदर्शन, जहां पर सपा ने 48 तो कांग्रेस ने 27 सीटें जीती थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है, जिस पर विचार करने की भी जरूरत है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।